focus on verdict tonight. It's raining sops for smaller parties over the next few days in the countdown to the trust vote. Small parties know they have never been so big, which is why many of them are keeping the government guessing to the last minute. However, the problem with this is that there are also allegations of horse trading, with A.B. Bardhan saying yesterday the going rate for an MP is 25 crores, Amar Singh upped it to 30 crores today. हमने जिंदगी में मैं आपसे कबूल करता हूं 25 करोड़ रुपए एक साथ तो मैंने कभी देखा नहीं, आप में से किसी ने भी नहीं देखा होगा। लाख तक जहां अपनी पहुंच है, करोड़ का हम क्या हिसाब करें? और फिर एक दो करोड़ नहीं, 25 करोड़, 25 करोड़। ये घोड़े के सौदागर, ये वोट के सौदागर 25 करोड़ का हिसाब करने जा रहे हैं। ये आरोप मैं अगर लगा रहा हूं इसलिए कि बाजार में ये रेट आज हाका जा रहा है। ये एकदम गलत आरोप है और कौन किससे मिलता है ये बड़ी बात नहीं है। 25 करोड़ रुपए का लेने का जहां तक आरोप है, ये मुझे आश्चर्य है। इसका अगर कोई प्रमाण बर्धन साहब के पास हो तो हमारे बुजुर्ग नेता हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, अगर ये प्रमाणित होकर सके इस आरोप को तथ्यों के साथ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई और सजा होना चाहिए, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा में सांसदों की खरीद फरोख्त के प्रमाण हुए। द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना स्टेट, वी विल डेफिनेटली सपोर्ट देम, अदरवाइज वी विल नॉट। कैन आई आस्क यू, हैव द बिगर पार्टीज, व्हाट काइंड ऑफ बार्गेन हैव दे ड्रिवन, डू यू नो दैट? Why are you asking small parties are going to drive a hard bargain? Tell me, the bigger party, what bargain they have driven, do you know?